नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खंडवा में एक विभाग ऐसा भी है जिसकी अनिवार्यता से ही सभी विभागों की सेवाएं जुड़ी हुई हैं, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी खंडवा की, जहां एक और पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते 21 दिन के लॉकडाउन में पुलिस, डॉक्टर, सफाई, संचार, बैंक कर्मचारी अपनी सतत सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं मूलभूत सेवाओं से जुड़े विद्युत विभाग भी इस आपातकाल में तन्मयता से अपने देश को बचाने के लिए पूरी तरह से अपनी सेवाएं दे रहा है। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि सभी विभागों के साथ विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जनता के लिए विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से संचालित की जा रही है। इसका पूरा श्रेय पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों को जाता है, जो सतत रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बैठे नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और वो अपने परिवार के साथ सुकून से टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल इत्यादि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का लुत्फ उठा सके। इसलिए विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रयासों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे भी आपको पूरे 24 घंटे बिजली की आपूर्ति बिना किसी व्यवधान सुचारू रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए खबर समय जगत की पूरी टीम विद्युत विभाग को भी सलाम करता है। अभी मेरे साथ जुड़े हैं पश्चिम विद्युत मंडल वितरण कंपनी के प्रकाश इंगले। प्रकाश जी, बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ पर आप सतर्क सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना वायरस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आदमी ने सतर्क रहना चाहिए एवं सुरक्षा साधनों का उपयोग करना चाहिए और हमेशा दूरी से दूरी बना के रखना चाहिए। आपके विभाग किस प्रकार से सेवाएं दे रही है? सतर्क सेवाएं दे रहे हैं। बिजली को लेकर आप मतलब आपूर्ति नहीं आने दे रहे, कहीं भी समस्या नहीं आने दे रहे हैं? नहीं आने दे रहे। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि आगे आप जैसे 14 दिन का और समय है, हाँ, तो उसके लिए और क्या व्यवस्था की गई है? सब तैयारियाँ बिल्कुल है। आपकी टीमें किस प्रकार से काम कर रही हैं? अलग अलग फील्ड जाते हैं, पूरे जिले का भार है हमारे पर जी। मतलब खंडवा जिले को आपने पूरी तरह से आपूर्ति दे रहे हैं? दे रहे हैं। जो भी ग्रेटों की समस्या आती है उसको हम पूरी अटेंड करते हैं।